दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको यहूदी दरख्त गरकत के बारे में बताने वाले हैं कि पूरा यहूद इसको क्यों काश्त कर रहा है। दोस्तों पूरे इसराइल में इस दरख्त को इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ काश्त किया जा रहा है। गरकत की काश्त की मुहिम इसराइल न सिर्फ रियासती बल्कि अब बैनुल अक्वामी सतह पर चला रहा है। खुद इसराइली वज़ीर आज़म एक जगह यही दरख्त लगाता है। इसके अलावा इसराइल ने इंडिया से भी कहा है कि वो अपने मुल्क के तमाम बंजर आराजी पर गरकत की काश करे, जिसका तमाम तर मुआवजा खुद इसराइल बर्दाश्त करेगा। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि क्या तमाम यहूदी पागल हो चुके हैं? नहीं, दुनिया के तमाम वसाइल पर काबज़ यहूदी पागल नहीं है। ये बहुत ज़हीन कौम है और ये कौम अपने मज़हब से ज़्यादा इस्लाम की सच्चाई पर यकीन रखती है। इन लोगों ने अहादीस की तमाम किताबें पढ़ रखी है। गरकत की काश की मुहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक की वजह से चलाई जा रही है, जो कि सही मुस्लिम की वो हदीस है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम न होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करे और मुसलमान उन्हें कत्ल कर दे, यहाँ तक कि यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर या दरख्त कहेगा कि ए मुसलमान, ए अब्दुल्ला, ये यहूदी मेरे पीछे हैं, आओ और इसे कत्ल कर दो, सिवाए दरख्त गरकत के, क्योंकि वो यहूदियों के दरख्तों में से हैं। यहाँ तक कि अब इसराइल मुख्तलिफ एनजीओस के ज़रिए दुनिया भर में इन दरख्तों की काश पर ज़ोर दे रहा है। अफ़गानिस्तान समेत कई ममालिक ऐसे हैं जिनमें इसराइल माहौलियाती आलूदगी के नाम पर गरकत की काश बड़े पैमाने पर कर रहा है। इसके लिए सेव दी गरकत ट्री नामी एक मुहिम भी चलाई जा रही है, जिसकी फंडिंग जेविश नेशनल फंड नामी एक इदारा कर रहा है। इस इदारे की बुनियाद 1901 में रखी गई थी। यहूदियों ने सरकारी तौर पर गरकत के दरख्त को कौमी और मजहबी पहचान दे दी है। हम माने या ना माने, यहूदी हमारे नबी के फरमान को मानकर अपनी सल्तनत को वसी और जान बचाने के लिए गरकत के अबकारी कर चुके हैं, लेकिन वो ये भूल चुके हैं कि मशद एजदी ने इमाम मेहदी और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल उनकी तबाही का सामान तैयार कर रहा है। अल्लाह हमें फितनों के दौर में ईमान की हालत में रखे, आमीन। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।